खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मौजू इंग्लिश का वही रहेगा, इनवैलिड खिजर और वैलिड खिजर, इनवैलिड एंड वैलिड खिजर। ये खिजर कौन है, खिजर किसका नाम है, खिजर का कहां से ख्याल आ गया, यह खिजर है कौन? इस्लाम के मुताबिक यह रास्ता दिखाने वाला है, यह हदायत करने वाला है, ये जहां जाए वहां सब्जा उगता है, इसके पांव के चारों तरफ कदमों के नीचे आगे पीछे सब्जा उगाता है। ये अजीब शख्सियत है जो इंसानों से बाल आता है, यह नजर भी नहीं आती है लेकिन बातचीत भी करती है, नजर आ जाए तो इंसानों से बाल आता पता लगता है। ये खिजर कौन है? Who is Khidr? It is known from the story related in Surah Al-Kahf that Prophet Musa alayhi salam traveled to seek knowledge from a righteous slave of Allah whose name was Khidr. There is an opinion that this righteous slave of Allah was a wali, whereas the story itself indicates that Khidr was a prophet due to several reasons. किसका नाम खिजर होना चाहिए, कौन क्वालिफाई करता है खिजर होने के लिए? आदमी में से तो है कोई नहीं, इस्लाम मुकम्मल तौर पे फेल हो गया कि खिजर किसको कहे। खिजर के बारे बात जरूर करता है लेकिन 1500 साल से खिजर के बारे हतमी तौर पर उसका कोई फैसला नहीं कि खिजर है कौन। ज्यादा खिजर तो नहीं होने चाहिए, ज्यादा के नाम नहीं होने चाहिए, खिजर तो एक होना चाहिए, वो उत्तम होना चाहिए, वो लासानी होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, वो दूसरों से मुनफरिद होना चाहिए, वो इंसानों से बालातर होना चाहिए। वो खिजर कौन है? अगर आप मुंशी महबूब आलम का इंसाइक्लोपीडिया इस्लामी पढ़ें सफा 291 पे, वहां पे खिजर का काफी डिटेल में जिक्र है। लेकिन वहां पे उसने योना का नाम दिया है, यर्मिया का नाम दिया है, एलिया का नाम दिया है, एलिशा का नाम दिया है, ईसा का नाम दिया है। क्या इतने खिजर हैं? लेकिन इस्लाम के मुताबिक तो एक खिजर है, वो खिजर कौन सा है? अगर इस्लाम ने इतने ज्यादा नाम बता दिए हैं तो इस्लाम कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं कि खिजर है कौन। इस्लाम के पास जब इतनी ज्यादा लिस्ट हो जाती है तो उसके लिए मुश्किल है कि एक को खिजर करार दे। सारे तो खिजर नहीं है, ना अलीशा खिजर है, ना एलिया खिजर है, ना यूहन्ना खिजर है, या तो वो सारे खिजर हैं या नहीं खिजर है, या है या नहीं है। ये 6-7 नाम जो हैं, एक आमर भी नाम दिया हो, ये आमर कहां से आ गया जो खिजर है? ये इसके अलावा बाकी कम्युनिटी में, बाकी मजहब में भी खिजर पाए जाते हैं लेकिन कोई ये प्रूव नहीं कर सकते वो खिजर है कौन, उसकी शख्सियत में क्या चीज शामिल है, उसकी पावर क्या है, और उसको किस नाम से स्पेसिफिकली उसका मुतारफ किया जाए ताकि वह दूसरे नामों से आला और बर्तर हो और लासानी हो। क्या किया जाए? कुरान सूरत 18:60 आयत से लेकर 82 आयत तक खिजर का जिक्र पाया जाता है, जिसकी बातचीत मूसा से होती है और उसके शागिर्द से होती है यशुआ से। एलिया और अलीशा के जिक्र है लेकिन हतमी तौर पे इस्लाम फेल हो गया है कि असल खिजर है कौन, असल खिजर किसको होना चाहिए,
वो कौन सी शख्सियत है जो नजर आए और क्वालिफाई हो जाए कि वही खिजर है, जो तारुफ दे कि मैं नूर हूं वो खिजर है, जो रास्ता बताए वो खिजर है, जो लासानी हो वो खिजर है, खिजर है, जो अलोहियत का मंबा हो वो खिजर है, जो कामल इंसान हो वो खिजर है। इस्लाम क्यों फेल हो गया है? खिजर का जिक्र भी करता है लेकिन बता नहीं सका खिजर है कौन, किसको खिजर कहना चाहिए, कौन क्वालिफाई करता है खिजर होने के लिए। शुक्र की बात तो ये वैसे है, मुस्बत बात तो ये है कि इस्लाम में कोई खिजर नहीं। अगर उन्होंने खिजरों का नाम लिया है, खिजरों का, नाथ खिजर का, तो बाइबल मुकद्दस के सारे नबी हैं, या मेजॉरिटी बाइबल मुकद्दस की वालों की है। ये अच्छी बात है, ये खुशायंद बात है इस्लाम में भी। इसका क्या मतलब हुआ? मोहम्मद खिजर नहीं। अगर वो खिजर नहीं तो वो जहान का, दो जहान का वो कहते सरकार, वो भी नहीं। अगर वो खिजर नहीं तो मोहम्मद होली भी नहीं, इसलिए कि उसने बहुत धोखे दिए हुए हैं, बहुत झूठ बोले हैं। आलमगीर झूठा है, आलमगीर काफर है। और अगर मैं पिछले मेरा मैसेज सुन लें ज़रा, तो वो 100 से ज़्यादा जो वहाँ पे मैंने उर्दू में 156 के करीब वहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, 60 के करीब। क्या ऐसे खिजर होते हैं? क्या मोहम्मद खिजर है? नो 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 नो, वो तो किसी खाते में भी नहीं जाता, वो तो ठींगा है, ठींगा। तो खिजर कौन हुआ? कौन इस क्वालिफिकेशन में आता है? जस्ट वन, सिर्फ एक। कौन? जो बादशाहों का बादशाह हो वो खिजर है। जो ये कह दे राह हक और जिंदगी मैं हूं वो खिजर है। और वो यूहन्ना के 14वें बाब की 6 आयत में यीशु मसीह के बारे में मिलेगा। जो ये कहे कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं वो खिजर है। वो कौन है? यीशु मसीह है। कहां मिलता है? मुकाशवा पहला बाब उसकी 18वीं आयत, मुकाशवा 21वां बाब उसकी 6 आयत, मुकाशवा 22वां बाब उसकी 13वीं आयत। मैं अव्वल ओ आखिर हूं, अल्फा ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। वही खिजर हुआ। अगर खिजर का मतलब इस्लाम के मुताबिक ऐसी शख्सियत है जो इंसानों से बाला तार हो और उसकी जो ताकत है, कुव्वत है, वो इंतहा की हो और इंसान की समझ से बाहर हो, कि जब वो जहां चाहे खिजर जाए, खिजर वहां पे सब्जा उगाए, चारों तरफ सब्जा ही सब्जा हो, वो खिजर कौन होगा? वही जो क्रिएटर होगा। यीशु ने कहा यूहन्ना की अंजील के दूसरे बाब में, पहले बाब में दूसरी आयत में, सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हो। तो वही खिजर क्वालिफाई होता है, यीशु मसीह, या किसी का नाम ले, एक का नाम ले। बहुतों के नाम लेने से ये ढेरों खिजर बन जाते हैं। एक का नाम ले, कौन खिजर है उसको साबित करें और उसके पीछे चलें कि वो खिजर है। अगर आप पहला तिमोथी उसका 6 बाब उसकी 15वीं आयत पर पढ़ें, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, मुकाशवा 19वां बाब 16वीं आयत पढ़ें, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। मुताबिक यशाया 9 बाब 6 आयत, यीशु मसीह के टाइटल हैं अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, जो सही खिजर है, जो कुदरत रखने वाला खुदा, जो सब्जे पे, ग्रीनरी पे, सब्जे पे कुदरत रखता है, हर चीज पे कुदरत रखता है, वो खिजर हुआ। और वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो खुदाए कादर है। अगर खिजर का मतलब कुदरत वाला है, राह दिखाने वाला है, मुश्किलात को दूर करने वाला है, सब्जा उगाने वाला है और इंसानों से बरतर है, तो वो यीशु मसीह है, और कोई
بائبل کے انبیاء میں سے بھی نہیں. محمد تو بڑی دور کی بات ہے, محمد تو عالمگیر کافر ہے, محمد تو عالمگیر جھوٹا ہے اسلام کے مطابق. عالمگیر کافر اسلام کے مطابق, عالمگیر جھوٹا اسلام کے مطابق. میں پورے پوائنٹ نہیں اب گننے والا, 156 پوائنٹ میں نے دیے ہیں اپنے اردو میسج میں, اس سے بھی زیادہ, چاہیں جا کے دیکھیں. تو خضر کون ثابت ہوا؟ یسوع المسیح. اسلام اپنے خضر کو بیان نہیں کر سکے, اسلام فیل ہے خضر بتانے میں. بائبل مقدس خضر کو ہائی لائٹ کرتی ہے, وہ صرف یسوع المسیح ہے. اس یسوع کے پاس آئیں, آرام پائیں, نجات پائیں, گناہ کی معافی ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.